वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे मटन, जो कि जैसे कि आपको पता है कि आज न्यू ईयर है, उसी ओकेजन में हमने यहाँ पे मटन बनाया है। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कुकर लिया है, कुकर में हमने डाला है ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्याज डाल के इन्हें भुना है, प्याज को हमें गोल्डन होने तक भुनना है। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लिया है अदरक और लहसुन, जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद साइड में मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि धनिया, जीरा, काली मिर्च और इलायची जैसी चीज़ें। और आप चाहे तो और अलग एडिशनल में भी मसाले, जो खड़े मसाले होते हैं, उसे यूज़ कर सकते हो। और जैसे ये रोस्ट हो गए थे तो मैंने यहाँ पे इन्हें ग्राइंड कर लिया था। और ग्राइंड करने के बाद देख सकते हो कि आप हमारे जो प्याज है वो भून चुके हैं। और दूसरी साइड ही मैंने मटन धो के रख लिए थे। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और जिन मसालों को मैंने अच्छी तरीके से भुना था उनको डाला है, हल्दी, मिर्च। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिकन मसाला यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई और मसाला भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और थोड़ा सा नमक डाल के अब हम अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को हाथों से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हम मटन को अब हम ऑयल में डालेंगे। हमें इसे भुनना नहीं है, हम ये काफ़ी ईजीएस्ट और काफ़ी आसान तरीके से जो हमारा है मटन बना रहे हैं। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट के लिए मसालों को थोड़ा सा मिक्स करूँगी, और उसे ज़्यादा देर नहीं। और अब मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास के आसपास पानी डाला है। पानी डालने के बाद यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें। और अब हमने यहाँ पे कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और कुकर में जब सीटी लग गई थी उसके बाद आप देख सकते हो हमारे जो चिकन है वो अच्छी तरीके से पक चुके हैं, काफ़ी यम्मी लग रहे हैं देखने में। और आज हमने यही खाया, और जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। आई होप आपको आज की मेरी ये न्यू ईयर की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना पूरे। और मेरी तरफ से आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका जो ये न्यू ईयर है काफ़ी अच्छा जाए।